कुश्ती और हथौड़ी। डिंग डिंग। हाँ, आज खाना बहुत बढ़िया बना था। अच्छा तो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को मिलेंगे पापा, अच्छे खाने के लिए शुक्रिया। मेरी फेवरेट बिस्किट। लगता है शिशि मानो के घर में खाना आता क्या? डिंग 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 डिंग। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो शिशि मानो? बाल बाल बच गए तुम शिशि मानो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तुम बहुत अजीब हो गए हो। शिशि मानो के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्यों हथौड़ी, हमें इसका हर हाल में पता लगाना चाहिए। बिल्कुल। क्या कमरे में कोई है? बालों में बनाऊंगा, हीरो लगूंगा। देखो देखो, अब मैं चिकना शिशि मानो लग रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है, ये लड़का होकर लड़कियों की तरह मेकअप क्यों कर रहा है? चुपचाप यहाँ खड़े रहकर उसे देखते रहो बस। अब तो खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। आ मेरी प्यारी मेरी। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कौन है वहाँ पे? ये प्यारी सी डॉगी। क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? जरा संभल के। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैरी। मैरी, कितना प्यारा नाम है। बाल ठीक कर लेता हूँ। घर के अंदर कोई है? मैरी तुम कहाँ हो? अरे शशि मानो, तुम तो मुझे मिलने आ गए। कमिटमेंट करने के बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक्स, ये तो मेरा फेवरेट है। अपनी तो निकल पड़े। तुम कितने प्यारे हो। क्या बात है, अपनी तो लाइफ सेट हो गई। देखो बेलराय, वो ये सब क्या कर रहा है? लगता है कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है ना कि गाना गुनगुनाते हुए मेरी आंखें बंद हो जाती है, इसीलिए मैं गिर पड़ा था। सॉरी। ओ शिशि मानो, तुम कितने प्यारे हो। अब मुझे शिशि मानो की फिक्र हो रही है। लेकिन किस लिए? अरे हथौड़ी, शिंजो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ देखो। सुनो मैरी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किस तरह के दोस्त ज्यादा पसंद है? ऐसे दोस्त जिसकी आंखें बड़ी हो। मेरी है। जो दिल का बहुत अच्छा हो। मैं हूँ ना। जो ताकतवर हो। अभी दिखाता हूँ। ऊर्जा सिम सिंह, इज्जत का फालूदा बताने देना। कर दिया, देखो। जो हर दर्द सह लेता हो। ये तो गया काम से। उसकी लंबाई अच्छी हो। क्या लंबाई अच्छी हो? लंबाई बढ़ाने के निंजा टेक्निक। ये लो, ये ठीक है। अरे नहीं, ये तो उन निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी इसने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की। पता नहीं अब क्या होगा। सॉरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही थी। मैं समझ गया मैरी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बहुत फनी हो। नहीं बस फनी और कुछ नहीं हूँ। हो ना, वो देखो। हाय हाय मैरी, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मैं बाद में जरूर खा लूंगी। ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय। ये उस काले के बारे में बात कर रही है क्या? फिर मिलेंगे शशि मानो, बाय 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 बाय। तुम लोग यहाँ रुक जाओ और उसे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो। तीन दिन जो
और वो बहुत कमजोर भी हो गया है हथौड़ी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। मैं बॉस शिशिमानु को ऐसे उदास नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। हाँ, मिल गया, नकली डॉगी बनने की निंजा टेक्निक। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कबड्डी कबड्डी। अरे वाह, रुक जाओ। अरे वो ठीक हो गया है। हाँ, लेकिन हथौड़ी की अब खैर नहीं है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। ओके। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए कुछ भी खा सकता हूँ। एक बार ये पेट भर के खा ले, फिर इसे बताता हूँ। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मेरे सोना। तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं इन मोटी हड्डियों को भी चबा जाऊंगा। बाबा रे, ऐसी दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, वो कुछ भी करवा सकती है। अब जरा शिशिमानु को ही देख लो, क्या हाल हो गया है उसका। डिंग डिंग। चश्मे की चश्मे बद्दूर वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। यूमिको, मैंने सुना है कि अम्यूजमेंट पार्क में एक सरप्राइज हाउस बनाया गया है। सरप्राइज हाउस? लेकिन उस सरप्राइज हाउस के अंदर क्या है? उसके अंदर जमीन से लेकर छत तक हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है, और सरप्राइज देने और डराने के लिए वहाँ कभी कभी कठपुतलियाँ भी नजर आती हैं। सुनकर डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। तो ठीक है, इस संडे मैं और तुम, हम दोनों साथ में वहाँ चलेंगे, ठीक है? हाँ, तो पक्का रहा। केनिची, तुम साथ नहीं चलोगे? मैं? इस केनिची को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें नहीं पता? मैं कोई अंधेरे से डरता नहीं हूँ, मैं जरूर चलूंगा। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ डर जाओगे? ये देखो, मेरा भौंरा तेज घूम रहा है। मेरा भौंरा तेज घूम रहा है, देखो। केनिची, हवा केनिची, तुम्हारे मुंह पे बाला क्यों बजे? क्या तुम कोई ऐसी निंजा टेक्निक जानते हो जिससे अंधेरे में भी देखा जा सके? अंधेरे में देखने वाली निंजा टेक्निक? हाँ, एक है तो सही, लेकिन प्लीज आज ही वो टेक्निक मुझे सिखा दो शिंजो। एक दिन मैं कैसे सिखा लूंगा, मुझे तो उसे सीखने में 2 साल लगे थे। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? अरे मुझे तो 3 साल लग गए थे। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो अंदर आ जाओ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। स्पेशल ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा अंधेरे में होती है। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और डर लग रहा है। डलोगे तो निंजा टेक्निक कैसे सीखोगे बुद्धू? सबसे पहले अंधेरे में चलना आना चाहिए। अरे ऐसे चल कर नहीं, मेरी तरह रेंग रेंग कर आओ। चलो मम्मी, मम्मी कोई बचाओ। केनिची तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं केनिची। शिंजो, तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंधेरे में देखने वाली निंजा टेक्निक सीखना आसान काम नहीं है, समझ गए? तो फिर कुछ और सिखाओ। वैसे एक और निंजा टेक्निक है जिसमें दिमाग की आंखों से देखना सिखाते हैं। तो क्या इस निंजा टेक्निक को जल्दी सीख सकते हैं? इसे सीखना तो आसान नहीं है, लेकिन पहली बार किसी ने मुझसे इसे सिखाने के लिए कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा केनिची। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना हथौड़ी? ये एक अलग तरह का चश्मे बद्दूर है, जब तुम सरप्राइज हाउस के अंदर जाओ तो इसे पहन लेना, ओके? हाँ, तो मतलब अब मैं अंधेरे में देख पाऊंगा? पहले भाई, इस टेक्निक का नाम क्या है? इसका नाम है चश्मे बद्दूर वाली निंजा टेक्निक। चश्मे बद्दूर वाली निंजा टेक्निक। डर तेरे की प्यारे फूटी किस्मत, मैं यूमिको के साथ अकेले ही सरप्राइज हाउस घूमने जाना चाहता था, लेकिन केनिची बीच में टपक पड़ा। अरे वाह, दिमाग की बत्ती जल गई, सरप्राइज हाउस में जाते ही कहीं छिप जाऊंगा। इसका फायदा क्या होगा बॉस? क्या होगा क्या नहीं होगा वो पूछो, वो डरपोक केनिची अंधेरा देखकर डर जाएगा और यूमिको के सामने ही चिल्लाने लगेगा। क्या बात है बॉस! और फिर यूमिको उस डरपोक से दूर और मेरे करीब आ जाएगी। आपकी तो लाइफ सेट है। शाम को मिलेंगे दोस्तों। केनिची आज कुछ ज्यादा ही खुश है, बस कहीं कोई नई गड़बड़ ना खड़ी कर दे। उस चश्मे से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने उस टेक्निक के बारे में झूठ कहा था। अच्छा, मतलब आपने उसे बुद्धू बनाया? डिंग डिंग, मैंने तो बस उसके कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए ऐसा किया। मैंने उसे कोई चश्मे बद्दूर नहीं दिया है, बल्कि वो तो एक मामूली चश्मा है। उसके साथ आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अंदर मत जाओ, बहुत डरावना है। ये जगह तो बहुत डरावनी लगती है। केनिची, वापस जाना है तो अभी चले जाओ। मुझे वापस नहीं जाना है। चलो यूमिको, उत्तेजित मत हो। सबसे पहले हमें इसे पार करना होगा। ये
भूल भुलैया है, हम कहाँ जाएं? शुक्र है मैं कुछ गड़बड़ होने से पहले यहाँ पहुँच गया। लगता है हमारा किसी और रास्ते पर चला गया। कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। हथौड़ी सही कह रहा था, इसे पहनकर तो मेरा डर छूमंतर हो गया। केनिची तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं, चलो युमिको हम आगे चलते हैं। ओह नो, केनिची तुम ये क्या कर रहे हो? हमें इस पहिए पर चलकर आगे जाना होगा। डरो नहीं, ये बस हमारी नजर का धोखा है। चलो जब केनिची हो साथ तो डरने की क्या है बात। ओए इस डरपोक की पुंगी अभी तक बजी कैसे नहीं? अब ये क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं हूँ ना। देखो ऐसे आ जाओ, डिंग डिंग आ जाओ आ जाओ। डिंग 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 डिंग। देखो युमिको ये कितना आसान है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो ऐसे ही उड़ती रहो। आ जाओ आ जाओ। ये केनिची का बच्चा आखिर डर क्यों नहीं रहा? डरो नहीं, कितना सुंदर नजारा है। तुम्हें ये सुंदर लग रहा है? डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। डिंग डिंग। केनिची अब हम दोनों इसे कैसे पार करेंगे? डरो नहीं, बस मुझे कसकर पकड़े रहना। डिंग डिंग। हिलना नहीं युमिको। युमिको मुझे तो इसमें बहुत मजा आया। केनिची तुम तो बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। ओ युमिको कहाँ चली गई थी तुम, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। झूठ मत बोलो, तुम कहाँ छिपे हुए थे हमारा? अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहती तो कभी इस जगह से बाहर ही ना निकल पाती। नहीं ऐसा मत बोलो, इस घोचू ने तो मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। युमिको चलो हम कहीं और घूमने चलते हैं। हाँ चलो घूमने। निकल पड़ी निकल पड़ी बॉस की तो निकल पड़ी निकल पड़ी। मुझे क्यों पड़ी? शुक्र है चश्मे बदूर वाली नकली निंजा टेक्निक असली में काम कर गई। डिंग डिंग। केक को मेक करना इजी नहीं। डिंग डिंग। कितना टेस्टी दिख रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। देखो बच्चों, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान संभालनी होगी। समझ गए बच्चों? मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, थोड़ी देर में लौट आऊंगा, तब तक तुम मेरी दुकान का ध्यान रख लोगे ना? हाँ बिल्कुल, अब आप इसे हम पर छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। संभल के जाइएगा अंकल। हाय बच्चों, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। यमी केक्स चाहिए हो तो यहाँ आइए। एकदम टेस्टी टेस्टी केक। कभी नहीं खाया होगा आपने ऐसा केक। खुश हो जाओ। हाँ अगर यमी केक्स चाहिए हो तो यहाँ आइए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भले भाई आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो पहले मैंने तुमसे पूछा है केनिची। हम यहाँ खड़े होकर केक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हाँ केक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? हाँ हम एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, हम ये काम खुद ही कर लेंगे। हाँ भाई, भाई फिकर ना, हम संभाल लेंगे। लेकिन इस जगह पर केक बनाए जाते हैं ना? अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया केक लग रहा है। केक वाले अंकल ने आधा ही बनाया है। चलो उनके आने से पहले हम इस केक को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देते हैं। हाँ सच में ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमें इस पर ढेर सारी क्रीम डालनी होगी। केक के नीचे मुझे भी केक तैयार करना है। बच्चे ये नहीं कर सकते। तुम इसे अकेले नहीं बना सकते, मुझे भी करना है। तुम इसे खराब कर, देखा तुमने इसे खराब कर दिया ना? इसे मैंने नहीं तुमने खराब किया। तुम बहुत बोल रहे हो। ऐसा क्या? टेस्टी है। बेवकूफ कहीं के। ये तो बहुत ही टेस्टी है। लो इसे खाओ। कुछ हुआ क्या? तुमने पूरा केक खा लिया। किशिमानो क्या तुमने पूरा केक खा लिया? बहुत ही टेस्टी था। अब क्या होगा, हम बेकरी वाले अंकल को क्या जवाब देंगे? ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करें केनिची? बेकरी वाले अंकल तो हमें बहुत डांटेंगे। जल्दी से नया केक बनाओ। हमारे पास तो स्पॉन्ज केक भी नहीं है।
तो मुसीबत हो गई, अब क्या करें? और तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे कि केक समझकर खा जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं केक नहीं बनूंगा, समझ गए ना? कुछ नहीं होगा, मैं बस तुम पर थोड़ी क्रीम लगाऊंगा। लेकिन कुछ हो गया तो? घबराओ नहीं, मैं मम्मी से केक खरीदने के लिए कहूंगा और इसी दुकान में आकर तुम्हें खरीद कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मेरी बात समझो। मान जाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट रोल दूंगा। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। लो बन गया केक। चलो आखिर बन ही गया केक। कैसे हो बच्चों, तुम सब लोग यहाँ अंदर किचन में क्या कर रहे हो? अरे अंकल आप आ गए। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है? इस केक को डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, तुम बच्चे तो सच में बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे, बिल्कुल प्रोफेशनल बेकर की तरह तुमने केक बनाया है। चलो अच्छा है, मुझे 5 बजे तक ये केक मिस्टर बांगड़ू के घर पहुँचाना था, आज उनके बेटे का बर्थडे है ना। यही वाला केक आप इसे ले जाएंगे? नहीं, अभी इस पर थोड़ी और डेकोरेशन करूंगा फिर ले जाऊंगा। क्या होगा अगर ये इसको ले गए तो हमारा बैंड बच जाएगा। ऐसे ऐसे, और इस पर ये क्रीम डालेंगे और ये तैयार हो गया। अब मैं इसे डिब्बे में रखूंगा। अच्छा मैं इसे डिलीवर करके जल्दी वापस आता हूँ, तब तक तो मेरी दुकान का ध्यान रखना, ठीक है? क्या करें, मुसीबत कैसे टलेगी? अगर हम दोनों यहाँ ऐसे ही घूमते रहेंगे तो वो लोग शिशु मानु को केक समझ के खा जाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डिंग डिंग, तुम लोग परेशान क्यों हो? तोड़ी तुम? क्या तुम लोगों को मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे भाई शिशिमानु, मुझे सब पता है। चलो एक और केक बनाते हैं और उसे शिशिमानु वाले केक की जगह रखते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय कहाँ है? एक तरीका है, जल्दी से केक बनाने की निंजा टेक्निक। क्या कहा? जल्दी से केक बनाने की निंजा टेक्निक। Dabur Red Paste presents Nickelodeon Kids Choice Awards 2016, co-powered by Lifebuoy and Choki Choki Choco Cashew. शाहरुख, ऋतिक से लेकर जेठालाल तक सबको वोट किया, जिताया और फिर स्लाइम भी किया। इस बार किसको करोगे वोट बच्चे? बच्चा 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 नहीं कहना अंकल, आपको वोट किया है माय फेवरेट विलेन। अपने फेवरेट स्टार्स को जिताओ, nickindia.com/kcaindia पर जाओ, वोट करो हक से। Dabur Red Paste presents Nickelodeon Kids Choice Awards 2016, co-powered by Lifebuoy and Choki Choki Choco Cashew. Presented by Dabur Red Paste. Clinically प्रमाणित Dabur Red Paste देता है 7 dental problems से सुरक्षा। Co-powered by Lifebuoy Super Fast Hand Wash, 99.9% germ protection in 10 seconds. And Choki Choki with Shiva Game Card free in association with Fun School, true to kids always. Condensed chocolate ka paripoornata dene Prawn Choco Choco hai is par mega size mein. Chocolate, mango aur strawberry ka swaad lijiye jab chahiye jis tarah chahiye. Prawn Choco Choco, jo marzi khaiye. When you achoo, you are so cute. When you achoo, looking at you, achoo, breaks my heart into. आपके घर की हवा को रखे डस्ट, बैक्टीरिया और वायरस फ्री, फिलिप्स एयर प्योरीफायर। इनोवेशन एंड यू, फिलिप्स। फिलिप्स के नए एरासेंस रेंज ऑफ एयर प्योरीफायर्स दे आपको शुद्ध हवा के साथ साथ हवा की क्वालिटी का सही माप। ओके, ड्रिंक्स ब्रेक। हर्शीज मिल्क शेक विद 30% मोर कैल्शियम, 5 एसेंशियल विटामिन और अमेजिंग टेस्ट, बर्थडे बच्चों के लिए। पर आंटी रोहन, Candyman Delicious presents the Jelly Molds, Maddie Mango, Smarty Strawberry, Funky Pineapple, and Arty Orange. Candyman Delicious Jelly Molds in action at a store near you from ITC. Patanjali Atta Noodles. इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिकर खाओ। अब Patanjali Atta Noodles चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। फाइनली माँ ने पुरानी चॉकलेट ड्रिंक बदल डाली। इतना ज्यादा चॉकलेटी, अब चॉकलेट हॉलिक्स, पहले से और भी ज्यादा टेस्टी और चॉकलेटी। अब घर घर में हो रहा है दूध का ग्लास खलास। नए जॉली रैंचर लॉलीपॉप्स, जुबान पे मस्ती मचा दे। जॉली रैंचर लॉलीपॉप्स, फ्रूटी फ्लेवर्स के धमाके। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से केक बनाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। ये रहा स्टार का वार। डिंग 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 डिंग।
बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। डिंग डिंग। चलो बेटा जल्दी से केक कट कर लो। हाँ। अरे ये क्या है? डिंग 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 डिंग। हाँ? वो आखिर कहाँ से आया था? पता नहीं। खैर छोड़ो। डिंग 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 डिंग। शिशिमानु अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कमांडर। बच गया, आज तो केक की जगह मैं ही कटने वाला था। मैं माफ कर दो शिशिमानु। आओ मिलकर केक खाते हैं जो बेकरी वाले अंकल ने हमें दुकान संभालने के बदले में दिया है। नहीं नहीं, मुझे कोई केक नहीं खाना है, मुझे तो केक के नाम से चीड़ हो गई है। लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो ये तुम्हें बहुत पसंद था। ये अजीब हो। थोड़ी देर पहले ये खुद ही केक बना हुआ था, इसीलिए अब इसे केक नहीं खाना है। डिंग डिंग। शिशिमानु के पेट दर्द ने कर दिया हमारा सिर दर्द। डिंग डिंग। अगर ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। लेकिन अभी तो मेरा बस थोड़ा ही पेट भरा है। हाँ? हाँ? निंजा टेक्निक से मैं सबका खाना खा जाऊंगा, देखो। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है। सब तो खा लिया, अब क्या खाऊं? याद आ गया। फ्रिज खुल जाओ सिमसिम, ज्यादा खाने की निंजा टेक्निक। क्या बात है, सब मेरी पसंद का ही है। बाबा रे, इसका पेट है या कोई गोदाम, बस खाता ही जा रहा है। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे पेटू की तरह खाने से पेट खराब हो जाएगा। हथौड़ी, अब तुम ही अपनी निंजा टेक्निक से इसका दर्द खत्म कर सकते हो। पर ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। बल्ले भाई कुछ करो ना, ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इंजेक्शन मत लगाना, निंजा टेक्निक से कुछ करो। पर शिशिमानु, ये इतना आसान काम नहीं है। तो फिर हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। हॉस्पिटल? नहीं नहीं नहीं, वहाँ मुझे इंजेक्शन लगा दे। मेरे पास इसके लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं है, इसीलिए शिशिमानु तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओ, नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। दर्द ठीक करने का क्या और कोई तरीका नहीं है हथौड़ी? ठीक है, एक टेक्निक है जिसमें खाना छोड़ देने से दर्द ठीक हो जाएगा। भूखे रहने की निंजा टेक्निक। जब किसी निंजा के पेट में दर्द होता है तो वो कुछ दिनों तक खाना नहीं खाता है, जिससे खाली रहने की वजह से उसके पेट की सफाई हो जाती है और दर्द भी गायब हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, लेकिन शिशिमानु तुम एक निंजा डॉगी हो, इसीलिए तुम कुछ दिन तो क्या, कम से कम एक महीने तक बिना खाए रह सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, खाना तो मेरी जिंदगी है। दर्द ठीक करने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बस 3 दिन की तो बात है, तुम कर सकते हो। शिशिमानु, इमोशनल अत्याचार मत करो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम 3 दिन तक बिना खाए रह लोगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कितने हिम्मत वाले हो शिशिमानु। इसे कुछ नहीं हुआ है युमिको। लेकिन अब मैं इसका क्या करूँ, मैं तो तुम्हारे लिए गेटवेल सुन का गिफ्ट लाई थी। क्या क्या लाई हो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये देखो, वाह, चॉकलेट रोल। शिशिमानु खबरदार, जो इसे हाथ भी लगाया तो। मैं तो सिर्फ अपना मुंह लगाने वाला था शिशिमानु। सिर्फ एक ही।